वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है वारली पेंटिंग, द ट्राइबल आर्ट। जैसे कि पहले पार्ट में आपने सीखा कि ज्योमेट्रिकल शेप लेके और कुछ लाइंस लेके हम लोग वारली पेंटिंग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें कौन से कलर्स यूज़ कर सकते हैं, पारंपरिक पद्धति के कलर्स कौन से होते हैं वो मैंने आपको बताया। इस पार्ट में मैं आपको थोड़ा मॉडर्न वारली पेंटिंग आपको सिखाऊंगा, जिसमें हम मन चाहे कलर ले सकते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। अभी मेरे पास जो कुछ मटेरियल है उस मटेरियल में मैं आपको वारली पेंटिंग सिखाऊंगा। जैसे कि मेरे पास एक मटका है, उस मटके के ऊपर मैं आपको वारली पेंटिंग सिखाऊंगा। अभी आपके पास अगर मटका नहीं है तो कोई पॉट होगा या कोई एक बॉक्स होगा, एक कार्टन बॉक्स होगा या कई ऐसे अलग अलग प्रकार के सरफेस वाले कोई भी आप सामान इस्तेमाल कर सकते हो जिसके ऊपर आप वारली पेंटिंग कर सकते हो। कैनवास के ऊपर कर सकते हो, प्लाईवुड के ऊपर कर सकते हो, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप वारली पेंटिंग कर सकते हो। आपके वॉल के ऊपर भी आप वारली पेंटिंग कर सकते हैं। इस वारली पेंटिंग करते वक्त आप आपके मम्मी पापा, बड़े भैया, दीदी, इनकी भी हेल्प ले सकते हो और बेहतर वारली पेंटिंग बना सकते हो। जैसे कि आप जानते हो हमारी एलप्रो इंटरनेशनल स्कूल आपके लिए ये मौका लाई है, जो समर सफारी, ये हमारा हर साल का समर कैंप होता है जिसमें हम नई नई चीज़ें सीखते हैं। तो चलिए इस बार हम स्टार्ट करते हैं वारली पेंटिंग, जो मेरे पास एक पॉट है उसके ऊपर। अभी ये मेरे पास एक मटका है, टेराकोटा का एक मटका है। इसके ऊपर हम अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि आप, मैंने पहले भी बोला है कि आपके घर में अगर पॉट है तो उसके ऊपर भी आप कर सकते हो या डायरेक्टली वॉल के ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन आपकी मम्मी पापा की परमिशन से और उनकी हेल्प से। सो देखिए, अभी मेरे पास एक चारकोल पेंसिल है। आपको कुछ डिज़ाइंस बनाने से पहले आपको क्या करना है, जैसे कि एक सर्कल में, जो अभी ये पूरे मटके को कलर नहीं करना है। जैसे कि अभी ये जो मटका है, ये मटका पहले ही भूरे कलर का है, मीन्स टेराकोटा कलर का है, तो इसके ऊपर मुझे एक लाइन बनानी है, ये इसके नीचे और एक लाइन मुझे बनानी है। तो ये ऐसा मैंने एक लाइन इसको बना दिया। अभी ये चारकोल पेंसिल, मेरे पास ये एक कलर है वाइट कलर जो डिस्टेंपर है, इसको मैं फ्लैट ब्रश से सीधा ये कलर इस तरह से अप्लाई करूँगा। इस तरह से आपको ये वाइट पेंट, ये डिस्टेंपर यूज कर सकते हो, इसमें पोस्टर कलर आप यूज कर सकते हो,
इसमें आप एक्रेलिक कलर यूज़ कर सकते हो। पोस्टर कलर अगर आप यूज़ करते हो उसको अगर पानी लग जाए तो वो निकल सकता है। सो बेटर वे होगा कि आप एक्रेलिक कलर इसके लिए यूज़ करें। चाहे आप इस मटके को पूरे मटके को एक तो वाइट कर सकते हो या आपके मनचाहे कलर में आप इसको कलर कर सकते हो। देखो ये जब हम लाइनिंग्स बनाते हैं तो इसको थोड़ा धीरे से आराम से आपको ये करना है। ये पैच बड़ा है इसलिए आपको फ्लैट ब्रश यूज़ करना है। फ्लैट ब्रश यूज़ करने से एक समय में सरफेस ज़्यादा कवर होता है पेंट करने के लिए और फिनिशिंग भी अच्छा आता है। से आपको ये एक लेयर हो गया। देखिए ये हमने एक लेयर कर दिया। अगर ये सूखने के बाद अगर इसमें आपको लगता है तो आपको वापस इसको इसके ऊपर एक लेयर देनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा फीका लग रहा है तो एक लेयर आप एक और दे सकते हैं। ये सूखता है तब तक मैं थोड़ा सा एडिशनल कुछ करता हूँ। एक मैंने छोटा राउंड ब्रश लिया है। इस राउंड ब्रश से मैं इसको ये सिंगल लाइन ऐसी ड्रॉ करूंगा। आप इस तरह से किसी भी सरफेस के ऊपर आप ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से मैं एक सिंगल अभी इसमें क्या है फिनिशिंग की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कला ही ऐसी है जिसमें कोई ज़्यादा फिनिशिंग करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये जो आदिवासी लोग हैं ये कला ये जो मैं तो अभी ब्रश यूज़ कर रहा हूँ लेकिन वो जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि वो जो बैम्बू होता है उसकी जो छोटी सी टहनी होती है उसको थोड़ा सा ब्रश का शेप देके उसी से वो पेंटिंग किया करते थे या फिर ईयरबड्स जो है ईयरबड्स जैसा वो एक स्टिक के ऊपर वो लोग रुई को कॉटन को ये देखो मैं एक और जगह पे ये
लाइन ऐसी बनाऊंगा। अभी मैंने यहाँ पे एक ब्लैक कलर लिया है और एक छोटा ब्रश, इससे मैं इसको ये बॉर्डर बना रहा हूँ। हालांकि पारंपरिक वाली कला में ब्लैक कलर यूज नहीं करते, लेकिन अभी मॉडर्न वाली आर्ट में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो थोड़ा सा और डेकोरेटिव दिखता है। तो इस जगह पे आप कौन सा भी कलर यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अभी मैंने ये और एक बीच में ये जो लाइन बनाई है इसके बीच में आपको एक और लाइन बनानी है। आपकी मर्जी हो तो इसके नीचे भी आप एक और लाइन बना सकते हैं। जैसे कि अभी आपको पहले से ऐसी वारली पेंटिंग्स की कुछ फिगर्स ड्रॉ करके रखनी है जो आपके मन में हो, जिसकी उसकी पोजीशन जैसे आपको बनानी हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये औरत है जो पंछियों को दाना डाल रही है, एक फिगर है जो कुछ डांसिंग कर रही है, ये पेड़ पे चढ़ रही है, कुछ चारा ला रही है, कुछ खेत में से कुछ एक्टिविटी कर रही है ना। तो इस तरह की आप फिगर्स इसके ऊपर कर सकते हो। देखो ये इसके ऊपर ये पूरा का पूरा फिगर भी आप ले सकते हो, पूरा घर का प्रतिकृति इसके ऊपर आप ले सकते हो। तो मैंने अभी ये लिया है, तो देखो ये हमने जैसे कि ये कल आपको ये किया था सर्कल, सर्कल को आपको ये वाइट कलर था इसलिए मैंने ब्लैक कलर लिया है जो कुछ थोड़ा सा उठ के दिखेगी। ये हाथ के लिए आपको ये लाइन बनानी है, एक थोड़ा मोटा सर्कल जैसा, और ये देखिए इसमें ये इसको आप थोड़ा डेकोरेटिव फॉर्म कर सकते हो। इसके ये पैर यहाँ पे लिए, यहाँ पे ये गर्दन, उसी तरह बाकी फिगर्स को भी आपको
ये हमने एक औरत बनाई है। ये खेत से लकड़ियां ला रही है। ग्रामीण जो एरिया होता है, जो जिसे हम विलेज कहते हैं, इस विलेज में इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है। जो खेत में से हमारे उनके पास गैस या सिलेंडर वगैरह नहीं होता, तो वो घर पे चूल्हा होता है, उस चूल्हे के ऊपर चूल्हे में ये लकड़ियां डाल के वो हमारा खाना पकाते हैं। आप इसमें, जैसे कि मैंने बोला कि ये हमने एक त्रिकोण यूज़ किया, ये एक और त्रिकोण यूज़ किया, इसमें उनका हम घर तैयार करेंगे। घर में देखो, इस तरह की लाइनिंग्स आपको बनानी है। देखिए, अभी अभी ये देखो, ये जो हमने एक पत्थर और ये पत्थर इसके ऊपर खाना पकाती हुई एक फिगर हमने बना दी है। अभी हम यहाँ पे ऐसे बादल बना सकते हैं। एक तरफ बारिश का मौसम है, इस तरह हम पेड़ बनाएंगे।
इसके ऊपर क्या करना है, सिर्फ ये ऐसी ब्रश को आपको अप्लाई करके डॉट्स अप्लाई करके ये पेड़ बनाना है। अभी जैसे आपको पता है कि जब बारिश होती है तो कौन नाचने लगता है, है ना? समझ में आया कुछ ये कौन है? तो यस, ये हम सभी का चहिता पिकॉक है, जिसे हम बना रहे हैं। देखिए इस तरह से बना सकते हो। यहाँ पे हमने ये इस आकार को बनाया है। तो इस प्रकार से आपने एक पिकॉक बना दिया। अभी एक थोड़ी सी इधर तो देखिए, अगर जो किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, उनको अगर बारिश आती है तो वो भी खुश होते हैं। जैसे पिकॉक खुश हुआ तो वो खुश होने के वक्त क्या करते हैं, इस तरह से वो अपनी खुशी मनाते हैं पहली बारिश में, क्योंकि इस बारिश पे ही उनका फ्यूचर डिपेंड होता है। सो देखिए इस तरह से ये वार्ली पेंटिंग आपकी रेडी हो चुकी है। सो आई होप आप सभी को ये वार्ली पेंटिंग पसंद आई होगी और आप घर पे ज़रूर करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप सभी आपने तैयार किए हुए आपकी खुद की कलाकृति मेरे साथ शेयर कीजिए।
चाहे तो आप मुझे मेल कर सकते हो, या फिर जब स्कूल में आएंगे तब आप मुझे दिखाइए, हम उसका कुछ अच्छे से हमारे आर्ट रूम में उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, कई अलग अलग जगह पे हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो देखा हमारी एलप्रो इंटरनेशनल स्कूल ने आपके लिए जो समर कैंप लाया था, जिसे हम समर सफारी कहते हैं, उसमें हम कुछ इसी तरह की अलग अलग चीज़ें सीख रहे हैं। अभी मैं जहाँ पे ये वर्क कर रहा हूँ, ये एक मेरे फ्रेंड का स्कल्पचर स्टूडियो है, मैं उसको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि उसने अपनी जगह दी और उसका भी मुझे हेल्प लगा। थैंक यू।